मैं जानती थी वीर, तुम सिर्फ मेरे पास आओगे। आ वीर, वीर। क्या हुआ? बर्दौल, वो भिखारी देख रहे हो? उसके पास दूसरे लोग की फ्रिक्वेंसी पकड़ने वाली मशीन है। अगर हम वहां जाएंगे तो फौरन उसको सिग्नल मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। बर्दौल ने आज तक जितने भी मशीन इजाद करी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ निम्बाश की फ्रिक्वेंसी पकड़ते हैं, सांस्वान को नहीं। रुको भे, देखो। नहीं, नहीं, भगवान तेरा भला करे, किस्मत का धनी हो, पैसे की ना कमी हो, छुट्टी शनी रवि हो। अरे मेरा आशीर्वाद है, 10-50 नहीं, पूरा 100 का नोट दे खरा। पेस्ट कंट्रोल। हम स्वास्थ्य विभाग से हैं मैडम। क्या मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ गए हैं। स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे, सब मर जाएंगे और बीमारी भी नहीं फैलेंगी मैडम जी। वो क्या है कि तादाद बहुत बढ़ गई है ना आजकल, मच्छर मकोड़ों की। हाँ, मच्छर बढ़ तो बहुत गए हैं। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमको 15 मिनट लगेंगे बस। पर आप सबको बाहर जाना होगा तब। क्यों? वो धुआं जहरीला है, सांस लेने में नहीं जाना चाहिए वो धुआं। आप सब लोग बाहर जाएंगे तो हम लोग उस धुएं को फैला देंगे अंदर। अच्छा ठीक है, आइए आप लोग, आइए। एक मिनट, आप लोग अपना आईडी दिखाइए। मर गए क्या? मर गए? बाहर के मच्छर तो मर गए, अंदर के मच्छर नहीं मर पाएंगे। आई कार्ड नहीं लाए ना, लेके आते हैं। अरे भूल गए, मेरी जेब में है। ओ ये देखिए आईडी। आइए। पर आप बाहर जाइए। हाँ जी, हाँ आप बाहर जाएंगे तो हम अंदर जाएंगे। ठीक है ठीक है, आइए जाइए जाइए। उस माया विजाल से बचकर तो मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन अब यहाँ पर जीवन पुष्प कहाँ है? जीवन पुष्प। अरे वाह वीर, जीवन पुष्प ढूंढ लिया तुमने। अब जाओ, लेकर आओ मेरे लिए। हाँ काशवी। ये इतने सारे जीवन पुष्प, क्या हुआ अभी? इन हजारों पुष्पों में से जीवन पुष्प कैसे ढूंढोगे तुम? इस बार मैं तुम्हारी माया जाल में नहीं फंसने वाला। मुझे पता है असली जीवन पुष्प कौन सा है। इतने सारे एक जैसे फूलों में से एक असली जीवन पुष्प कैसे ढूंढूंगा? पूरे घर में धुआं करके देख लिया, लेकिन काशवी तो कहीं मिली ही नहीं। काशवी का कमरा भी बाकी है, तुम ऊपर जाओ, मैं उधर देखता हूँ। ठीक है।
किस्मत का धनी हो, पैसे की ना कमी हो, छुट्टी शनि रवि हो, कुछ तो दे जरा। बर्दौल, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मेरे लगाए हुए मशीन से आज तक कोई भी हिमबाशी यहाँ पैर तक नहीं रख सका। मैं आसपास ही हूँ, अगर जरा सा भी खतरा महसूस हो तो तुरंत मुझे बता देना। हाँ, बता दूंगा। तुआ कहाँ से है? अरे यहाँ तो कहीं भी काशवी नहीं मिली, तुम्हें मिली क्या? नहीं, पर होनी यही चाहिए। मुल्तान ने साफ साफ कहा था बेनाम से कि जिस जगह काशवी पे हमला हुआ है उसे वहीं रखो। उसे बालवीर के घर पे यहीं होना चाहिए। सब किए कराए पे पानी फिर गया है। मिल गई काशवी, पूरी तरह से दिखी नहीं है पर अब छुपी हुई भी नहीं। अब बालवीर का जीवन पुष्प भी काशवी को बचा नहीं पाएगा। कैसे बचाओगे काशवी को? जीवन पुष्प ऐसे नहीं मिलेगा वीर। तू एक एक फूल को चुनते रहोगे तो काशवी मुरझा जाएगी। जल्दी कुछ सोचो वीर, वरना नहीं बचा पाओगे तुम काशवी को। ये कौन है? तो मेरी मशीन ने फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट क्यों नहीं किया? मैं अभी बेनाम को सिग्नल भेजता हूँ। आ गई बेनाम। ये दोनों कौन थे? ये तो आगिल और भस्मा के भेजे हुए लोग। इससे पहले कि अगर उन्हें पता चल जाए कि काशी और भस्मा जो यहाँ पर है तो दोबारा हमला जरूर करेंगे। बस उससे पहले बालवीर जीवन पुष्प लेकर आ जाए। बालवीर जल्दी आओ। इतने सारे पुष्पों में से असली जीवन पुष्प कौन सा है ये कैसे पता लगाऊं मैं? इन सारे फूलों का रूप, रंग, इनकी खुशबू सब एक जैसा है, तो कैसे कैसे ढूंढूं मैं असली जीवन पुष्प? अगर मैंने अंदर ढूंढ भी लिया तो भी समय रहते मैं असली जीवन पुष्प को लेकर काशवी के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर क्या करूं, क्या करूं मैं? सोचो वीर, जल्दी सोचो और मुझे बचाओ। मैं पल पल मर रही हूं। माँ, अब आप ही कोई रास्ता बताओ। सच्चाई की अपनी एक चमक होती है बालवीर, हजार झूठ मिलकर भी उस चमक को कम नहीं कर सकते। सच्चाई की चमक,
धन्यवाद माँ, आप हमेशा सही रास्ता दिखाते हो। काशवी, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। किस्मत का धनी हो, पैसे की ना कमी हो, छुट्टी शनि रवि हो, आशीर्वाद है मेरा। बस रुपया देख रहा, 10-50 नहीं, 100 का नोट देख रहा, 100 का नोट देख रहा। सब ठीक? बस चल रहा है। और दौल? ये क्या? सिग्नल भी नहीं मिल रहा है, फिर भी बेनाम की आवाज कहां से आ रही है? किस्मत का और दौल? तुम यहाँ कैसे? क्यों? सब ठीक है ना? तुम्हारा सिग्नल तो ठीक चल रहा है ना? मुझे आभास हो रहा है जैसे काशवी पर हमला होने वाला है। हमला होने वाला है क्या? हमला हो चुका है। ये क्या कह रहे हो तुम? कब हुआ हमला? तुमने मुझे सिग्नल क्यों नहीं भेजा? अरे ये जो कैसे तुम बिना सिग्नल भेजे ही आ गई? मैं आ गई? क्या बोल रहे हो तुम? अरे वही बोल रहा हूँ जो हुआ है। देखो तुम आई, तुमने आगिल के दो आदमियों को भगाया और काशवी को बचा लिया। पर तो होश में तो हो ना? मैं यहाँ आई ही नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुम्हारे सिग्नल का वेट कर रही थी। क्या बोली कर रही हो? अगर तुम नहीं थे तो वो कौन था? कौन? देखो दो आदमी पेस्ट कंट्रोल के कपड़े पहन कर आए, काशवी के ऊपर हमला करने वाले थे, अचानक वो आदमी जो नकाब पहन कर आया और उन दो आदमियों की धुलाई की और काशवी को बचा लिया। अगर तुम नहीं थी तो काशवी को बचाने में हमारी मदद कौन कर रहा है? कौन है वो नकाबपोश आदमी? माँ, बालवीर, वाह बालवीर, हर बार तुम नामुमकिन को मुमकिन कर देते हो। ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से हो पाता है माँ। उम्मीद है काशवी जीवन पुष्प की मदद से पूरी तरह ठीक हो जाएगी। काशवी, काशवी, क्या हुआ? काशवी आंखें क्यों नहीं खुल रही है? जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ माँ? बालवीर, भस्मशूल का असर काटने में जीवन पुष्प सिर्फ एक पहला कदम है। यानी काशवी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें कुछ और भी करना होगा? हाँ। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब आगे क्या करना है? इसका जवाब तो साश्वन लोक में ही मिलेगा। जादुई जल? ठीक है माँ, तो चलिए हम जल्द से जल्द साश्वन लोक चलते हैं। बस थोड़ा समय और काशवी। क्या हुआ माँ, आप किस सोच में? बालवीर, मैं सोच रही थी जब तुम मायावी जंगल में थे तब किसी ने काशवी पर हमला किया था और बरदौल मुझे मैसेज भेजे इससे पहले ही कोई शख्स था जो काले कपड़े पहनकर नकाब पहनकर आया और उसने काशवी को बचा लिया। आखिर वो है कौन?
जो नकाब के पीछे छुपकर हमारी सहायता कर रहा। नकाबपोश इंसान कौन हो सकता है ये? वही तो मैं भी सोच रहा हूं। जो भी था, जिसकी वजह से भस्मशूल मेरा होते होते रह गया। मेरा, तुम्हारा, हम सबका होते होते रह गया। जरूर बेनाम होगी। उसके सिवा और कौन कर सकता है बालवीर की मदद? जो इंसान दोषी होता है वही किसी और पे इतने यकीन से इल्जाम लगाता है। क्या मतलब है तुम्हारा भाई? जो तुम समझ रही हो। मैं क्यों करूंगी बालवीर की मदद? मदद बालवीर की नहीं, मदद तुम अपनी कर रही हो। भस्मशूल को पाने का तुम्हारा शौक पुराना है। मुझे नहीं लगता है आगिल का काम है। तू भी मिल गया इसके साथ। वो इसलिए क्योंकि भस्मशूल अभी भी धरती पे है। काशवी के अंदर अगर आगिल को भस्मशूल ही चाहिए था तो वो भी धरती पे क्यों है? अब तो मुझे लगने लगा है कि दोषी तुम हो। क्या है ना, इतने यकीन से तुमने इल्जाम जो लगा दिया मुझ पर। आगिल! बस करो, ये वक्त एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर बालवीर के खिलाफ लड़ने का है। बाजी अभी भी हाथ से निकली नहीं है। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा और इस बार उस नकाब पोश को भी बेनकाब करके रहूंगा। वो नकाबपोश जो कोई भी है, आज नहीं तो कल हमारे सामने आ ही जाएगा। हाँ मामी, आप सही कह रहे हैं। उस नकाबपोश के बारे में ना सोचकर हमें काशवी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। काशवी को बचाना हमारा पहला उद्देश्य है। हे जादुई जल, काशवी को बचाने के लिए मैं पहला कदम पार कर चुका हूं। मैं जीवन पुष्प लेकर आया हूं। अब बताओ, काशवी को बचाने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा? क्या है मेरा अगला कदम? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता मां? ये क्या है? शक्तिपुंज। बालवीर, ये तुम्हारा शक्तिपुंज है। काशवी को ठीक करने के लिए तुम्हें तुम्हारे शक्तिपुंज का इस्तेमाल करना होगा। बालवीर, कैसे महामहिम? बालवीर, तुम्हें धरती पर धरती के समय अनुसार 10 मिनट तक अपने शक्ति पुंज को अपने शरीर से बाहर निकालना होगा ताकि उसकी ऊर्जा से काशवी दोबारा जीवित हो सके और भस्मशूल उसके शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना उसके शरीर से बाहर आ सके। नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता। पिछले कितने सालों से भस्म का यही मकसद है, तुम्हारा शक्तिपुंज पाना। और अगर तुमने अपने शरीर से अपना शक्तिपुंज निकाल लिया तो भस्म का काम आसान हो जाएगा। लेकिन माँ, मैं भस्म के बारे में नहीं, काशवी को बचाने के बारे में सोच रहा हूं। बताइए माँ, हमें मेरे अंदर से शक्तिपुंज को कैसे निकाला जा सकता है? नहीं नहीं माँ, हमें आप समझाइए बालवीर को। अपना शक्तिपुंज निकालना यानी अपनी मौत को आमंत्रण देना।
और बस मैं ऐसा आमंत्रण ऐसा मौका कभी जाने नहीं देगा। और मैं काशी को बचाने का ये मौका नहीं जाने दे सकता माँ। बालवीर, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन काशवी को बचाने के लिए हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। बिना शक्ति पुंज के तुम जिंदा रहकर भी जिंदा रह नहीं पाओगे, सिर्फ एक चलती फिरती लाश बनकर रह जाओगे। लेकिन काशवी तो अभी एक लाश बनी हुई है माँ। जब भस्म ने भस्मशूल चलाया था, तब काशवी ने बिना सोचे समझे, बिना एक पल गवाए मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। और महामहिम, जब आज काशवी की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी, तो मैं पीछे हट जाऊं? कभी नहीं मां। एक बालवीर के नाते नहीं, बल्कि एक दोस्त होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं काशवी की जान बचाऊं। और इसीलिए इस फर्ज को निभाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता।